का स्वागत करता हूँ माननीय श्री डीएम साहब। वादे लो बाहर चले, गुलू में रंग भरे, वादे लो बाहर चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लद्दाख श्री जेपीएन साहब, ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसलर एलएसबीसी करगिल एंड ले, वर्दी कंसलर सेक्रेटरी टूरिज्म यूपी लद्दाख श्री रिजन सेंट्रल साहब, एसएसपी कारगिल नायक अली, यहाँ पे आए हुए हमारे एक्स चेयरमैन अस्माइल जम्मू कश्मीर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आजी नायक अली साहब, यहाँ पे जितने भी मेरे डिस्ट्रिक्ट के दूसरे कुलीग्स हैं, यहाँ पे आए हुए जितने भी प्लेयर्स हैं और मीडिया से आए हुए जितने भी यहाँ के हमारे भाई लोग हैं, मैं इस इवेंट में आप सबका बहुत बहुत खुशामदीद करता हूँ, आपका वेलकम करता हूँ। ऑनरेबल सर, आज ये करगिल की बर्फीली पहाड़ियाँ इस चीज की गवाही देती है कि किस तरीके से न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया इस चीज की गवाही देती है कि आपने नेशनल टूरिज्म डे को मनाने का फैसला करगिल डिस्ट्रिक्ट से लिया। सर, ये इस बात को दर्शाता है कि किस तरीके से ऑनरेबल सर आप और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री श्री नरेंद्र मोदी जी किस तरीके से यहाँ के हर खिते को, यहाँ के हर इलाके को जो है वो कितना अजीज है, चाहे वो लद्दाख में हो, चाहे हिंदुस्तान में हो, चाहे पूरी दुनिया में। तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जनता की तरफ से मैं आपका खुश आमदीद करता हूं और आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हिंदुस्तान का साथ जो है, ये हिंदुस्तान को पुनः पहचान पाने के लिए जो है वो हवाला करता है। तो इस चीज के लिए मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आप भी इस चीज के जो है वो गवाह है कि किस तरीके से जो है वो लद्दाख के लोग आज इस चीज की गवाही जो है हम कैसे करते हैं। हैप्पी नेशनल टूरिस्ट डे। जो हमारे कारगिल ले लद्दाख में शांति पर्यटन के नए रचनात्मक सपने भूल रहे हैं, मैं स्वागत करता हूँ लद्दाख आमंत्रित करता है। पर्यटन की यह शिक्षा इस क्षेत्र के पर्यटन एवं पर्यावरण विकास में अत्यंत सहायक। सभी तालियों के साथ, संग्राम के साथ हम सभी खिलाड़ियों का जोश बढ़ाते हैं, उनका उत्साह वर्धन करते हैं। इतना सुंदर कार्यक्रम, इस सुंदर कार्यक्रम राष्ट्रीय पर्यटन दिवस पर कारगिल मनाने का लद्दाख सांसद क्षेत्र के माननीय सांसद श्री गगन सिंह नंगर जी, लद्दाख ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल के ऑनरेबल सीईसी श्री फिरोज खान साहब तथा सम्मानित सीईसी और काउंसिलर एलएसबीसी डे और कारगिल तथा कारगिल के सम्मानित नागरिक, मैं आप सब सभी अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ आप लोग के सहयोग के बिना आपके ये छोटे कार्यक्रम संबंध नहीं था। माननीय, आज का जो दिन है वो लद्दाख के पर्यटन और खासकर कारगिल के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। जब पहली बार आपके अध्यक्षता में भारत सरकार की इतनी बड़ी टीम लद्दाख के हितों की सर्दी में आज यहाँ पर आया है और ये आपका
कारगिल और लद्दाख के लोगों के लिए जो आपके हृदय में है तथा आपके मंत्रालय में लद्दाख के प्रदर्शन के लिए जो प्राथमिकता है कारगिल और कारगिल की आवाम की तरफ से बहुत बहुत मुबारक और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने नेशनल टूरिज्म को कारगिल में मनाने का फैसला किया। हम इसके लिए आपके बहुत बहुत मशहूर हैं। आप जानते हैं सर, कारगिल को एक नेगेटिव पॉइंट बनने से लिया जाता था कि कारगिल का मतलब एक वॉर जोन, इसलिए आपने आज यहाँ पर आके साबित कर दिया कि कारगिल वॉर जोन ही नहीं है बल्कि हमारे देश का एक ऐसा खूबसूरत इलाका है जहाँ पर टूरिज्म जिसका कितना पोटेंशियल है उसको दिखाने का आपने यहाँ पर एक कोशिश किया है जिसके लिए हम आपको बहुत मशहूर है। कारगिल में टूरिज्म के पोटेंशियल के बारे में यहाँ पे हमारे डीसी साहब कमिश्नर साहब सबसे जानकारी दी। मैं ज्यादा बताने लेते हुए तो हमारे सबसे महत्वपूर्ण जो सबसे जरूरी चीज करने की आवाम की डिमांड है मैं उसको यहाँ पे आपके सामने बढ़ाना चाहूंगा, वो ये है कि बेशक टूरिज्म में हमारे पास कोई कमी नहीं है और टूरिज्म की इम्प्रूवमेंट के लिए हमारे यूपी गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहा है कारगिल में, लेकिन टूरिज्म को बढ़ावा तभी हो सकता है जब हमारे यहाँ पे कनेक्टिविटी हो। आप खुद जानते हैं सर, हमारे यहाँ पे अगर एक चीज की कमी है तो वो है यहाँ पे सिविल एयरपोर्ट और सिविल एयर सर्विस। जब तक इनको इसकी व्यवस्था न हो तब तक जो है जिस रफ्तार से टूरिज्म को आगे बढ़ना चाहिए उस रफ्तार से नहीं बढ़ेगा। यहाँ तक इस मौके का मैं फायदा उठाते हुए यहाँ आपसे भी और ऑनरेबल एमपी साहब से गुजारिश करता हूँ कि कारगिल की जो जमीन मांग है हमारी सिविल एयरपोर्ट और सिविल एयर कनेक्टिविटी की उसको जल्दी से जल्दी हमारे वास्तव में ये गुलबंद के प्रिंसिपल के साथ आई आई टी के ग्वालियर हमारा एक राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है, वास्तव में उससे कार्यक्रम है। मेरी तरफ अनुभव आया कि गुलबंद में जो भी प्रिंसिपल मैं अपॉइंट करता हूँ वो साल में एक बार वार्ता में मिलता है और पिछली बार मैं जय की धरती पर एक वचन लेकर गया था तो थोड़ा डी सी से आदि जब कल आया और अधिकांश लोगों ने देखा कि काउंसिल के चेयरमैन वहां पर थे, डीसी वहां पर थे, बाकी ऑफिशियल थे, एक मिनट के भीतर उन्होंने उस जमीन की स्वीकृति दी। मैं काउंसिल के चेयरमैन को जैसे बधाई देता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। कल जो बात मैंने कही है कि इस डिमार्केशन के बाद ये काम प्रारंभ होगा और हमारी मान्यता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सुविधाएं हमारे पास होनी चाहिए। जब कोई पर्वतारोही आए, कोई स्केलिंग करने वाला आए, कोई आए घाटी को खेलने वाला आए, उसको इस धरती पर यह भी लगना चाहिए कि मेरे किसी भी नौजवान के पास जब वोट देगा तो जो भी ऑनलाइन है उसके लिए मैं समझता हूँ कि लोगों को मोटिवेट करना चाहिए और जो भी आप एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों मिलते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए कहूँ कि एसटी के आकर लोग यहाँ पर आकर घूम सकते हैं लेकिन वो बजट ट्रेनिंग नहीं दे सकते। मैंने अभी हमारी बेटियों का कल बेटी बचाओ दिवस था और आज हमने आखिरी कार्यक्रम उन्हीं बच्चियों की आय साखी के ज्ञान से किया है। मैं देख रहा था कार्यक्रम